हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्रॉप्स एंड मिनरल्स देखने वाले हैं भारत में जो भी पाए जाते हैं इम्पॉर्टेंट अलग अलग रीजन में। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच रीजन ऑफ इंडिया आर मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स फाउंड। धात्विक खनिज जो होते हैं, मेटेलिक मिनरल्स हैं, भारत के कौन से पार्ट में, कौन से रीजन में पाए जाते हैं ये मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इस तरह के प्लेट्यू रीजन और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देखने को मिलते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू कंटेन्स मोस्ट ऑफ इंडियाज मेटेलिक मिनरल्स विच आर फाउंड इन क्रिस्टलाइन रॉक्स। इन विच ऑफ द गिवन ईयर्स ग्रीन रेवोल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया। भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी 1965 में और ये 1978 तक लगभग चला था। ग्रीन रेवोल्यूशन लेड टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन स्पेशली इन पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। और इसी ग्रीन रेवोल्यूशन के चलते चावल और गेहूँ, ये जो अनाज है, इसकी खेती में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिला था, बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था। Which basin contains the majority of coal reserves in India? Coal reserves जो भारत में है, majority उसका दामोदर basin में देखने को मिलता है। Over 97% of coal reserves ये दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी की valleys में देखने को मिलता है, यहाँ पर पाया जाता है। The state which produces the largest quantity of wheat is? कौन सा state है जो जहाँ पर गेहूँ सबसे ज़्यादा पैदा किया जाता है, ये state है उत्तर प्रदेश। About 86% of India's wheat production comes from 5 states of उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ये 5 स्टेट हैं जहाँ पर पूरे देश का लगभग 86% ऑफ वीट प्रोडक्शन देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा, ये एक साथ मिलकर देश का जितना भी वीट सप्लाई है उसका 72% जो है प्रोवाइड करते हैं। Which mineral is primarily used in the manufacturing of steel? Steel के manufacture में कौन से mineral को इस्तेमाल किया जाता है? Iron ore का इस्तेमाल किया जाता है। Manganese and iron are used in manufacture of steel. The presence of manganese contributes to its increasing hardness. जो hardness steel में होती है वो manganese के कारण होती है और iron ore का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। Which of the given states below is the largest producer of jute? Jute का largest producer West Bengal है। सुंदरबन डेल्टा याद रखिएगा अच्छे से, वेस्ट बंगाल में ही देश का जितना भी जूट प्रोडक्शन होता है उसका 98% वेस्ट बंगाल में अकेले होता है। इट्स नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया एंड इज यूज्ड टू मेक बैग्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स, कारपेट्स, रग्स एंड मोर। व्हाट मेजर मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन द धारवार स्ट्रेट्स अलोंग द अरावली माउंटेन्स। धारवार स्ट्रेट जो है, धारवार जल डबरू मध्य, यहाँ पर कॉपर और जिंक जो मिनरल्स हैं ये मेजरली देखने को मिलते हैं, पाए जाते हैं। द धारवार रॉक्स आर रिच इन लेड, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन एंड जिंक ओर्स। द धारवार रॉक सिस्टम रेफर्स टू द फर्स्ट मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री रॉक्स इन इंडिया। तो कॉपर और जिंक ये मेजर मिनरल रिसोर्सेज हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स मिनरल रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक सैंड स्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। कंस्ट्रक्शन में जिन मटेरियल्स का, मिनरल रिसोर्सेज का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सैंड स्टोन है, ग्रेनाइट या फिर मार्बल, कहाँ पर ये, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो ये है राजस्थान। राजस्थान इज नोन फॉर द मिनरल रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक सैंड स्टोन, ग्रेनाइट एंड मार्बल। झूम कल्टीवेशन इज द मेथड ऑफ कल्टीवेशन दैट यूज्ड टू बी प्रैक्टिस्ड इन। झूम खेती कहाँ पर देखने को मिलती है, ये कल्टीवेशन का जो मेथड है झूम कल्टीवेशन, इसको सेंट्रल हाईलैंड, कौन कौन सी जगह है इसके अंदर, मालवा प्लेटू, डक्कन प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू, यहाँ पर एक जगह से, जैसे एक जगह लोग खेती करते हैं मिलकर, फिर वहाँ पर जब ज़मीन बंजर हो जाती है तो किसी दूसरी जगह मूव कर जाते हैं, फिर वहाँ पर खेती करते हैं पेड़ों को काटकर जंगलों के बीच में, फिर जब वो भूमि बंजर हो जाती है फिर कहीं और जाते हैं। तो इस तरह की खेती जो होती है, ये कल्टीवेशन के मेथड को झूम कल्टीवेशन कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स ऑफ इंडिया वाले पार्ट में। ठीक है, कई जगह इस तरह की खेती की जाती है लेकिन नाम उसके अलग अलग हो जाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स में इसको झूम खेती कहते हैं, झूम कल्टीवेशन। ठीक है, और इसके अंदर मालवा, डक्कन और छोटा नागपुर प्लेटू, ये तीन मेन प्लेटू इसके अंदर आते हैं। What is the primary use of non-ferrous metal minerals? Primary use क्या है non-ferrous minerals का? Non-ferrous कौन से होते हैं? ऐसी धातुएं, ऐसे खनिज जिनमें लोहा नहीं होता है, अलोह खनिज जो हैं, metal alloy production में primary use इसको किया जाता है। Non-ferrous alloys are metal mixtures that do not contain iron, जिनमें iron या लोहा नहीं होता है। They are used in many applications including the automotive industry. What mineral resources are abundant in Gujarat? गुजरात में पाया जाता है ऑयल एंड गैस।
इसके अलावा लाइमस्टोन, मैग्नीज, बॉक्साइट, चाइना क्ले, फायर क्ले, कैल्साइट और डोलोमाइट एट्सेट्रा, ये सारे गुजरात में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अनाज की फसल भारत में वीट है, गेहूँ है। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। राइस जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीट, क्योंकि राइस जो है पूरे भारत में इम्पॉर्टेंट है। अगर हम साउथ में देखते हैं या फिर वेस्ट इंडिया में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं, वहाँ पर चावल बहुत इम्पॉर्टेंट एक खेती है, खाने के लिए भी अनाज बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीट वहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं इस्तेमाल होता है डे टू डे लाइफ में भी, वो एक सेकेंडरी अनाज है। वहीं हम नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स में देखते हैं तो वीट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है राइस, उसके बाद सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वीट। वट इज़ द मेजर मिनरल रिसोर्स फाउंड इन द हिमालयन बेल्ट। हिमालयन बेल्ट में मेजर मिनरल रिसोर्स जो पाया जाता है ये है कॉपर, ऑप्शन बी करेक्ट है। हिमालयन बेल्ट इज़ नोन टू हैव कॉपर, लेड, जिंक, कोबाल्ट एंड टंगस्टन रिजर्व्स। विच स्टेट इन द हिमालयन बेल्ट इज़ रिच इन मिनरल ऑयल। हिमालयन बेल्ट में मिनरल ऑयल में कौन सा स्टेट रिच है, ये असम है। असम हैज़ द हाइस्ट ऑनशोर रिजर्व्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया एट 27%, और मिनरल ऑयल फील्ड्स भी असम में हमें देखने को मिलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड अ कैश क्रॉप इन इंडिया। भारत में कैश क्रॉप, नकदी फसल किसे माना जाता है, ग्राम को। भारत में क्रॉप्स जो हैं दो तरह से डिवाइड की गई हैं, मेनली दो तरीके से, दो टाइप्स में, फूड क्रॉप्स है और दूसरी है कैश क्रॉप। फूड क्रॉप जो हम खाने में अनाज का इस्तेमाल करते हैं, कैश क्रॉप है जिसको वाणिज्यिक उपयोग के लिए उगाया जाता है। जूट, कॉटन, शुगर केन, ग्राम एंड रबर, ये कैश क्रॉप्स हैं सारी, है ना। फूड क्रॉप्स अलग हो जाएंगे, फूड क्रॉप्स कौन सी हैं, वीट, राइस, मेज, वो सब है। वट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन का प्राइमरी यूज़ है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में। टंगस्टन इन यूज्ड इन मेनी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। वट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ कॉपर। कॉपर का प्राइमरी यूज़ है इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। कॉपर इज़ यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन टेली कम्युनिकेशंस। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और हीट है ये, एंड कैन बी ड्रॉन इन टू वायर्स। वट इज़ द प्राइमरी यूज़ ऑफ मिनरल्स लाइक सॉल्ट, सल्फर, पोटाश, डोलोमाइट एंड फॉस्फेट। इन सारे मिनरल्स का प्राइमरी यूज़ है केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में। पोटाश प्राइमरी यूज़ किया जाता है फर्टिलाइजर में, हम देखते हैं ना पोटाश फर्टिलाइजर का एक पार्ट होता है। फॉस्फेट अ सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, अ प्राइमरी प्लांट न्यूट्रिएंट। वट ऑफशोर लोकेशन अलोंग द मुंबई कोस्ट इज रिच इन ऑयल रिसोर्सेज। ऑयल रिसोर्सेज में कौन सी, मुंबई के अलावा कौन सी ऑफशोर लोकेशन है जो कि रिच है, ये है मुंबई हाई। मुंबई हाई फील्ड वॉज डिस्कवर्ड इन फेब्रवरी 1974 बाय अ रशियन एंड इंडियन टीम मैपिंग द गल्फ ऑफ कम्बे, द गल्फ ऑफ कैम्बे। द मुंबई हाई फील्ड इज द लार्जेस्ट ऑयल फील्ड इन इंडिया। द स्टेट विच ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन इंडिया इन द प्रोडक्शन ऑफ टोबैको इज आंध्र प्रदेश। टोबैको का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा, पहले नंबर पर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है। कमर्शियल कल्टिवेशन ऑफ टोबैको इज कॉन्सेंट्रेटेड इन स्टेट्स लाइक आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड गुजरात। इंडियाज़ टोबैको बोर्ड इज हेडक्वार्टर्ड इन गुंटूर इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इससे याद रखिएगा कनेक्ट करके, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है और आंध्र प्रदेश में ही टोबैको बोर्ड का हेडक्वार्टर है। विच रीजन ऑफ इंडिया इज रिच इन बॉक्साइट एंड फेरस मेटल्स। ये रीजन है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू, जिसमें कर्नाटका, गोवा और कंटिजियस तमिलनाडु अपलैंड एंड केरला, ये सब आते हैं। वट मिनरल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील के प्रोडक्शन में कौन सा मिनरल है जो इससे जुड़ा हुआ है, जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको बनाने में, यह है क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मेटल इज फॉर्म्ड व्हेन द रॉ मटेरियल्स ऑफ निकेल, आयरन और क्रोमियम, सिलिकॉन, मोलिब्डेनम एंड अदर्स आर मेल्टेड टुगेदर। मोस्ट स्टेनलेस स्टील कंटेन्स अबाउट 18% क्रोमियम। ठीक है, नेक्स्ट है वट मिनरल रिसोर्स इज अबंडेंट इन गोवा। गोवा में आयरन और बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। गोवा इज़ नोन फॉर इट्स आयरन एंड मैगनीज ओर्स विच आर द बैकबोन ऑफ इट्स इकोनॉमी। विच स्टेट हैज़ मोनाजाइड थोरियम रिसोर्सेज एंड बॉक्साइट क्ले रिसोर्सेज। ये स्टेट है केरला। केरला हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ मोनाजाइट इन इंडिया। केरला इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ थोरियम इन इंडिया। ये दोनों ही फैक्ट याद रखिएगा। वेयर इज़ द रबर मोस्टली ग्रोन इन इंडिया। भारत में केरला में सबसे ज़्यादा रबर जो है वो उगाई जाती है, ग्रो की जाती है। इट इज़ मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड द गारो हिल्स ऑफ मेघालय।
विच ऑफ द गिवन स्टेट्स इन इंडिया इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर? सिल्क प्रोड्यूसर में सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है उत्पादन? ये कर्नाटका में होता है। रामनगर डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर सिल्क कोकून्स इन एशिया। ठीक है, मैसूर एंड नॉर्थ बैंगलोर इन्हें सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। वट इज़ द मेजर मिनरल रिसोर्स फाउंड इन द दामोदर सोन महानदी एंड गोदावरी बेसिन्स? ये हमने बहुत स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखा था, कोल इसका आंसर होगा। 97% ऑफ इंडियाज कोल रिजर्व्स आर फाउंड इन द वैलीज ऑफ दीज रिवर्स। गोदावरी बेसिन ऑल्सो हैज ऑयल एंड गैस रिजर्व्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन स्पाइस प्रोड्यूसर? ये है मालाबार कोस्ट। इट इज़ फेमस फॉर पेपर, क्लॉव्स, कार्डमम, कोकुम, सिंकोना एट्सेट्रा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलिक मिनरल? ये है आयरन ओर। ये हम शायद पहले देख चुके हैं क्वेश्चन। विच रीजन ऑफ इंडिया इज नोन फॉर इट्स हाई ग्रेड आयरन ओर एंड मैगनीज डिपॉजिट्स? ये रीजन है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू का। धारवार रॉक सिस्टम्स इन कर्नाटका आर रिच इन आयरन ओर, मैगनीज, गोल्ड, जिंक, लेड एंड सिल्वर। गोवा में आयरन ओर डिपॉजिट्स पाए जाते हैं और केरला में डिपॉजिट्स पाए जाते हैं मोनाजाइट, थोरियम और बॉक्साइट क्ले के। विच मिनरल रिसोर्सेज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद द अरावली माउंटेन्स? ये कॉपर एंड जिंक। कॉपर, जिंक एंड लेड फाउंड इन द अरावली डेली बेल्ट विद कॉपर मिनरलाइजेशन इन द नॉर्थ एंड लेड, जिंक, कॉपर मिनरलाइजेशन इन द साउथ। विच मिनरल इज कॉमनली फाउंड इन बैटरीज? बैटरीज में लेड पाया जाता है। लेड एसिड बैटरीज कंटेन मेटेलिक लेड, लेड डाइऑक्साइड, लेड सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। लेड इज चूजन फॉर इट्स हाई डेंसिटी, लो कॉस्ट एंड एबिलिटी टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विच ऑफ द गिवन स्टेट्स इज नोन एज राइस बाउल ऑफ इंडिया? भारत का राइस बाउल आंध्र प्रदेश है। जितना भी राइस भारत में उगाया जाता है, प्रोडक्शन होता है जितना भी, उसमें टोटल क्रॉप प्रोडक्शन का 77% आंध्र प्रदेश में होता है। गोदावरी, कृष्णा, पन्ना एंड तुंगभद्रा रिवर्स सप्लाई वाटर फॉर इरीगेशन इन आंध्र प्रदेश। वट मिनरल रिसोर्स इज अबंडेंट इन राजस्थान? राजस्थान में कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक सैंडस्टोन एंड मार्बल्स ये पाया जाता है। मोर देन 80% ऑफ इंडिया सैंडस्टोन डिपॉजिट्स आर इन राजस्थान। द मेन क्रॉप ऑफ झारखंड इज, ये है राइस। देयर आर मेनली थ्री टाइप्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड इन झारखंड, राइस, व्हीट एंड मेज। इन विच मंथ्स इज द रबी क्रॉप सोन? रबी क्रॉप जो है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में इस टाइम पर उगाई जाती है। रबी क्रॉप्स आर सोन अराउंड अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड अराउंड मार्च और अप्रैल। खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो जून से जुलाई में इन्हें उगाया जाता है और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर टू अक्टूबर में। और जायद क्रॉप्स आर सोन अराउंड मार्च एंड हार्वेस्टेड बाय जून। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इन मिल्क प्रोडक्शन? मिल्क प्रोडक्शन में भारत की रैंक फर्स्ट है। इंडिया कंटिन्यूज टू बी द लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड विद क्लोज टू 17% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन इन 2010 एंड 11। द कंट्रीज एस्टिमेटेड मिल्क प्रोडक्शन फॉर 2010-11 इज 121 मिलियन टन्स। विच स्टेट इज नोन फॉर इट्स लार्ज रिजर्व्स ऑफ सॉल्ट? तो ये आंसर बहुत ईजी है, गुजरात है, जहाँ पर सॉल्ट के लार्ज रिजर्व पाए जाते हैं, उसके लिए जाना जाता है। गुजरात इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया एंड द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ये वाला फैक्ट भी याद रखिएगा। द स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स 76% टू टोटल सॉल्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप कौन सा है? इनमें से ग्राउंड नट है खरीफ। अब ये याद कर लीजिएगा अच्छे से, खरीफ और रबी क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। राइस, मेज, सोरगम, फिंगर मिलेट, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारी खरीफ क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स कौन सी हैं? व्हीट, बार्ले, ओट्स, चिक पीस एंड ग्राम, पल्सेस, लाइन सीड, मस्टर्ड एट्सेट्रा, ये सारी हैं रबी क्रॉप्स। व्हाट मिनरल इज कॉमनली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी? ये मिनरल है यूरेनियम। यूरेनियम 235 इज द फ्यूल मोस्ट वाइडली यूज इन प्रोड्यूस न्यूक्लियर एनर्जी। वट मिनरल रिसोर्स इज अबंडेंट इन द असम वैली? असम वैली में मिनरल ऑयल पाया जाता है। असम इज अबंडेंट ऑन मिनरल रिसोर्सेज लाइक कोल, पेट्रोलियम, लाइम स्टोन एंड नेचुरल गैस। इट इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडिया। अ क्रॉप ग्रोन इन जायद सीजन इज? जायद का जो मौसम है, जायद ऋतु है, उसमें वाटर मेलन उगाया जाता है। वाटर मेलन के अलावा मस्क मेलन, गार्ड्स एंड कुकुम्बर, ये सारी जो फसलें हैं ये जायद सीजन में उगाई जाती हैं। What is the major mineral resource found in Krishna, Godavari and Kaveri basins? इनमें petroleum पाया जाता है, oil and natural gas have been found in exploratory wells in Krishna, Godavari and Kaveri basin on the east coast. What type of mineral is used as a raw material for making glass?
ग्लास बनाने के लिए सैंड को कच्चे माल के रूप में, रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. द मेन मिनरल यूज टू मेक ग्लास इज सिलिका. सैंड यूज टू मेक ग्लास इज मेड अप ऑफ स्मॉल ग्रेन्स ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल्स विच आर मेड ऑफ सिलिका मॉलिक्यूल्स. और इसी के साथ फाइनली हमारी ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है. आई होप इट विल हेल्प यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.